गुरुग्राम के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में संस्थान के महिला प्रभाग द्वारा आयोजित एम्पावरमेंट ऑफ गर्ल चाइल्ड अभियान की लॉन्चिंग सेरेमनी में महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री डॉक्टर महेंद्र मुंजापारा, एक्ट्रेस शहनाज गिल, AIWC की अध्यक्षा शीला काकड़े, राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान की ज्वाइंट डायरेक्टर पारुष श्रीवास्तव, महिला प्रभाग की अध्यक्षा बीके चक्रधारी, ORC की निदेशिका बीके आशा मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुई। इस लॉन्चिंग सेरेमनी में चर्चा के लिए विषय रहा सुसंस्कारों की धरोहर भारत की बेटियां, जिस पर राज्य मंत्री डॉक्टर महेंद्र मुंजापारा ने बेटियों के उत्थान के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। गुजरात में तो बच्ची को लक्ष्मी जी बोलते, जैसे लक्ष्मी जी का हमारे यहाँ आता है, ऐसे सुकन्या समृद्धि में आप जो पेरेंट्स से कुछ पैसे उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसको बच्ची बड़ी होगी पढ़ाई के लिए या उसको बिजनेस के लिए, कहीं से भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट उसको करनी पड़े तो वहां से उसको रिटर्न ज्यादा मिले, ऐसी योजनाएं। बाद में बच्ची के पढ़ाई के लिए भी फ्री ऑफ में टोटल एजुकेशन, वहां वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, चार्टर्ड अकाउंटेंट बने या कहीं भी आगे जाए या तो फॉरेन में भी पढ़ाई करनी है तो हमारी मंत्रालय उसको ऑलवेज हेल्प करती है। संस्थान के महिला प्रभाग ने इस अभियान का ब्रांड एम्बेसडर एक्ट्रेस शहनाज गिल को बनाया है ताकि समाज में बेटियों की आवाज बुलंद हो सके। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। मैं लड़की हूँ, मैं शहनाज गिल हूँ, ये तो मुझे आइडेंटिटी दी गई है कि मैं शहनाज गिल हूँ। जब मैं पैदा हुई मैं तो एक आत्मा थी, मेरे परमात्मा ने मुझे इस दुनिया में भेजा था, ठीक है। बट जब मैं इधर आई मुझे बोल दिया गया तू शहनाज गिल है, ये तेरे मॉम है, ये तेरे डैड है। आगे थोड़ी सी और बड़ी हुई मेरे को पता ये तेरा भाई है। आगे और बड़ी हुई मेरे को मेरी जॉब पता चली कि मैं एक्ट्रेस हूँ, ठीक है। बट अगर मैं ये दिल पे लगा लूँ कि मैं एक्ट्रेस हूँ, मेरे पे ना कल को मेरे पास काम नहीं रहा ना तो मेरे पे बोझ बन जाएगा, डिप्रेशन में चली जाऊंगी मैं। अगर मैं ये सोचूंगी कि मैं तो सोल हूँ, यहाँ पे अपनी स्कूलिंग करने आई हूँ, तो आई स्वेयर अगर तुम ये सोचोगे ना आई एम सोल, तो तुम कभी जिंदगी में अपनी अपने नाम के साथ अटैचमेंट नहीं होगी तुम्हें भी, क्योंकि जो अटैचमेंट है ना, जो अटैचमेंट है ना वो हमेशा हर्ट करती है। लव जो है ना वो प्योर होता है, तो लव में तुम कभी भी रोते नहीं हो, और लव तुम्हें पता कौन करता है, सिर्फ परमात्मा। और कोई भी तुम्हारे यहाँ पे जितने भी रिश्ते है ना, चाहे वो तुम्हारा हस्बैंड है, चाहे वो तुम्हारा भाई है, कोई भी, ये सब टेम्पररी है, यहां ही रह जाने हैं। सच्चा मोहब्बत, हम भाई सारा दिन सच्चा मोहब्बत करना है ना तो बाबा के साथ कनेक्शन जोड़ लो। मेरा अगर सच में किसी ने कनेक्शन जोड़ा है ना, बाबा मेरे को सच में स्ट्रॉन्ग किया है किसी ने, तो मैं प्रमोशन नहीं कर रही बट ये दिल से बात कर रही हूँ, मेरे पीछे जो मेरी सपोर्ट बन के खड़े वो ब्रह्मा कुमारी से। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जहाँ बीके चक्रधारी ने आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा अपनी कमजोरियों को खत्म करने का सभी महिलाओं से आह्वान किया, तो वहीं अन्य बुद्धिजीवियों ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किए। वास्तव में देखा जाए तो जिन्हें हमारी आध्यात्मिक भाषा में असुरसंहारिणी कहा गया वो कुमारियां थी। असुर कोई मानव नहीं जिनके सींग लगे हों और जिनके दांत निकले हों। मनुष्य के मन में जब विकृतियां आ जाती हैं, विकार आ जाते हैं, बुराइयां आ जाती हैं, ईर्ष्या द्वेष आ जाता है, वास्तव में वही असुर। सुसंस्कारों का ये प्रोग्राम ब्रह्म कुमारीज ऑर्गेनाइजेशन ने शुरू किया है, जिसमें अपने मूल्यों को समझना, अपने जीवन के मूल्य को समझना, भावनाओं को समझना, दूसरों को समझना, ऐसी परख जो किसी भी विद्यालय के करिकुलम में नहीं है, ये बाहर से देना इस वर्ग को और पुष्ट करना है। आई कॉन्ग्रेचुलेट द ऑर्गेनाइजेशन and I pray to Almighty to bless all of us with the grace and the power to anchor this campaign. आज शहनाज जो कि एक मिसाल आपके सामने है,
कैसे उसने अपने आप को कठिन चैलेंजेस से पार करके आध्यात्मिकता के बल पर उसने अपने आप को एक शक्ति के रूप से उभारा है, आपके सम्मुख उपस्थित है। वो बेचारी नहीं है, परंतु बहुत बलवान, बहुत शक्तिशाली है। समस्या सबके आगे आती है, लेकिन समस्या का समाधान करना उसकी कला कोई कोई को आती है, और शहजनाज ने वो कला अपने जीवन में सीखी।